जय श्री राम। आजकल दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा रहा है रामायण और ये रीटेलीकास्ट हुआ है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, आज इस वीडियो में मैं राहुल भोज आपको रामायण से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा, कुछ दिलचस्प बातें बताऊंगा, जैसे कि कितना एपिसोड का अमाउंट आता था, रेवेन्यू कितना आता था, टोटल रामायण ने कितना अमाउंट कलेक्ट किया और साथ ही साथ कितने एपिसोड का रामायण बनने वाला था, सारी बातें इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आप लोगों के फेवरेट चैनल में जिसका नाम है बॉलीवुड स्पाई। रामानंद सागर जी की अगर बात करें दोस्तों, तो रामानंद सागर जी ने रामायण की रचना करी जो कि दूरदर्शन पर आए, राइट। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वाल्मीकि जी ने तो ओरिजिनल रामायण लिखी जो कि हमारे ग्रंथों में है, लेकिन उसे पर्दे पर उतारने का बहादुरी भरा काम जो किया वो रामानंद सागर जी ने किया था। 1987 से 1988 तक चला दोस्तों रामायण, उसके बाद ये दूरदर्शन पर 90s के दौरान फिर से रीटेलीकास्ट हुआ था एंड नाउ अगेन दोस्तों ये फिर से रीटेलीकास्ट हुआ है जब देश में इस तरीके की सिचुएशंस है। रामायण करने के बाद कलाकारों को उसी पर्टिकुलर अवतार में जो है ग्रहण कर लिया गया दर्शकों के द्वारा। ऑडियंस लिटरली सेट पर पहुंच के राम जी, सीता मैया, रावण इन सबको मिलती थी, उनसे आशीर्वाद लेती थी और साथ ही साथ रावण से तो नफरत भी करने लग गए थे, यानी कि अरविंद त्रिवेदी जी से। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, रिसेंटली हुई मेरी बातचीत के दौरान जो कि विंदु दारा सिंह जी से हुई थी, जब दारा सिंह जी ने रामायण करी थी उन्होंने नॉस्टैल्जिया शेयर किया था। उन्होंने बोला था कि मैं अपने पापा के साथ सेट पे जाता था जो कि गुजरात और मुंबई के बीच की जगह है, सूरत के आसपास इसका सेट लगाया हुआ था जहां पर रामायण की शूटिंग की गई थी। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ओरिजिनली ये जो रामायण था ये 45 एपिसोड का एक चैप्टर बनाया था, यानी कि चैप्टर टोटल 45 थे, लेकिन इस ऑडियंस की डिमांड और साथ ही साथ ऑडियंस ने जिस तरीके से प्यार दिया, रामायण को एक्सटेंड करके 78 एपिसोड्स का एक पूरा महाचैप्टर बना दिया गया रामानंद सागर द्वारा। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, रामानंद सागर जी ने कड़ी मेहनत करी, उस टाइम पे इतना बजट नहीं होता था, कलाकारों को उतना इनकम भी नहीं होता था, लेकिन यू गाइज वोंट बिलीव 9 लाख पर एपिसोड खर्च किए जाते थे इस पूरे रामायण को शूट करने में। पर एपिसोड 9 लाख का खर्चा होता था और इसकी शूटिंग जो है गुजरात और उसके आसपास की जगह पे होती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया मुंबई से कलाकार ट्रेन में ट्रैवल करके वहां तक पहुंचते थे, उसके बाद सेट पर रहते थे, शूट करते थे और वापस आते थे। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, पर एपिसोड जो रेवेन्यू आता था उस वक्त 40 लाख आता था पर एपिसोड, 40 लाख, नॉट बैड हाँ। और वहीं अगर टोटल रामायण ने जो कमाई करी है दोस्तों, वो करी है 35 से लेकर 40 करोड़ तक की, ये अप्रोक्सीमेट अमाउंट है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो दोस्तों ये तो है रामायण से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें। आई होप सो आप टीवी पे रामायण फॉलो कर रहे होंगे और आप लोग अपना प्यार इस पर्टिकुलर रामानंद सागर जी की रचना को दे रहे होंगे। चलता हूँ मैं, जय श्री राम।